अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। चैंपियंस ट्रॉफी, भारत का इनकार, पाकिस्तान का जवाब, पाकिस्तान डट गया, भारत फंस गया है, ये स्टोरी आपके सामने रखने जा रहा हूं। पाकिस्तान ने वो फैसला किया है जो भारत के वहमो गुमा में भी नहीं था, भारतीय हुकूमत के, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के। पाकिस्तान ने बड़ी अदालत में इस हवाले से केस कर दिया है, आलमी अदालत में केस कर दिया है। स्टोरी क्या है? आज हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत बड़ा मैंडेट दिया है पीसीबी को, चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जगह पर एक और टीम को शामिल करने के हवाले से, और इस हवाले से उस मुल्क से रابطہ भी कर लिया गया है, वहां से जवाब क्या आया है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हुकूमत पाकिस्तान ने भारत के हवाले से क्या कहा है, ये आप सुनेंगे ना तो कम अज कम भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय हुकूमत के कानों से धुआं निकल जाएगा। हालांकि वहां पर मौजूद क्रिकेट फैंस तो ये चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान में जाए, और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस चाहते हैं कि पाकिस्तानी टीम भारत जाए, लेकिन पता नहीं क्यों वहां की गवर्नमेंट और बोर्ड को क्या मसला है। लेकिन आज की ये वीडियो आप देखेंगे तो इनके कानों से धुआं निकल जाएगा कि ये जो फैसला किया था इनको लेने के देने पड़ गए हैं। मैं आपके सामने डिटेल रखता हूं दोस्तों कि पीसीबी ने फैसला क्या किया है आलमी अदालत के हवाले से और खेलों की आलमी अदालत के हवाले से, और दूसरा भारत की जगह पर जो टीम आ रही है बहुत बड़ा सरप्राइज आपके सामने रखने जा रहा हूं, और पीसीबी ने इस हवाले से मंजूरी क्या दी है। दोस्तों वो तमाम दोस्त जो पहली बार हमारे साथ आए हैं उनको वेलकम कहता हूं, ये आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है, यहां आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी। तो तमाम दोस्त जो पहली बार आए हैं वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ में आपने कमेंट्स में जाकर तमाम दोस्तों ने पार्टिसिपेट करना है। और जो लोग ये समझते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को होना चाहिए वो कमेंट्स में जाकर राय देंगे, भारत का, इंडिया का नाम लिखेंगे, और जो चाहते हैं उनकी जगह पर श्रीलंका को होना चाहिए, जो स्टोरी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो श्रीलंका लिखेंगे, कमेंट्स में आपने पार्टिसिपेट जरूर करना है, और साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, भारत के कोने कोने तक ये वीडियो आज जानी चाहिए। क्रिकेट फैंस इसमें हेल्प करेंगे क्योंकि जो चाहते हैं कि दोनों मुल्कों में क्रिकेट हो वो आज इस वीडियो को देखेंगे भी, शेयर भी करेंगे और भरपूर पार्टिसिपेट भी करेंगे। देखिए दोस्तों मैं आपके सामने अब स्टोरी रख देता हूं, भारत को हुकूमत पाकिस्तान ने यह मामला रखा, पीसीबी ने यह मामला रखा है पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान के सामने। अब हुकूमत का जवाब सुनिएगा, जो हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया ना, मैं खुद भी यह सोच नहीं रहा था कि ऐसा कोई फैसला आएगा। हुकूमत ने पूरा मैंडेट दे दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि भाई खत लिखें आप आईसीसी को, और भारत के ना आने के हवाले से ठोस जवाब मांगें, और भारत के पास ठोस जवाब तो है नहीं है। जब ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, न्यूजीलैंड आ रहा है, और इंग्लैंड पाकिस्तान आ रहा है, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आ रहा है, तो भारत के पास क्या जवाब बचेगा जब आप अपनी ब्लाइंड टीम भी पाकिस्तान भेज रहे हैं। तो दूसरी बात जो आज फैसला किया गया है वो सबसे अहम चीज ये है कि पाकिस्तान ने खेलों की आलमी अदालत सालसे की आलमी अदालत से राबता करने के हवाले से, उसमें केस करने के हवाले से फैसला कर लिया है। ये भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से तमाम तर चीजें तैयार कर ली हैं। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत अग्रेसिव नजर आ रहा है, हुकूमत पाकिस्तान बहुत अग्रेसिव नजर आ रही है, फिर यही फैसला नहीं किया गया। अब अगला सुनिएगा, भारत नहीं होगा, भारत नहीं होगा तो उस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने क्या किया है, दूसरी टीमों को पाकिस्तान में भारत की जगह पर मधु करने के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह फैसला दे दिया है, और हुकूमत पाकिस्तान ने इसकी मंजूरी दे दी है कि आप श्रीलंका को शामिल करें। अगर श्रीलंका नहीं आता तो फिर वेस्टइंडीज को शामिल करें, पहले नंबर पर टॉप पर आपने इंडिया की जगह पर आप शामिल करेंगे श्रीलंका को, और अगर श्रीलंका नहीं आता तो फिर वेस्टइंडीज। तो ये बहुत बड़ी खबर है श्रीलंकन क्रिकेट फैंस के लिए भी कि श्रीलंकन टीम चैंपियंस ट्रॉफी में चूंकि वो नहीं थी लेकिन अब वो शिरकत करेगी, और मुझे लग रहा है कि वही शिरकत करेगी। अब देखिएगा, और इस हवाले से पीसीबी ने मंजूरी दे दी, हुकूमत पाकिस्तान ने मंजूरी दे दी है, और हमारे इजराइल ये बता रहे हैं कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से राबता भी कर लिया गया है और इस हवाले से तैयारियां भी मुकम्मल कर ली हैं। अभी रिसेंट आपको पता है कि आकिब जावेद उनकी टीम के कोच थे, फिर यही नहीं है, श्रीलंकन टीम ने पाकिस्तान को पोस्टपोर्ट किया है, श्रीलंकन क्रिकेट ने, जब उनकी टीम पर पाकिस्तान में हमला हुआ 2009 में, फिर उसके बाद जब पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हुई तो उन्होंने पाकिस्तान में सबसे पहले जो जिन टीमों ने पाकिस्तान के दौरे किए उनमें श्रीलंका शामिल है। तो श्रीलंका हुकूमत श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के साथ पाकिस्तान के बहुत आइडियल जबरदस्त ताल्लुकात हैं, लिहाजा आप समझिए कि श्रीलंका शामिल शिरकत करेगा। दूसरी जानिब जो अहम चीज है वो यह है कि हुकूमत इजराइल ने क्रिकेट बोर्ड को वाजे करके किया है कि पाक भारत टाकरा पाकिस्तान के बगैर मुमकिन नहीं है, मुनाफा सिर्फ भारत की वजह से नहीं बल्कि पाकिस्तान की मौजूदगी से है। अगर आप ये समझते हैं ना कि इंडिया पाकिस्तान में आएगा
तो भाई पैसे का पैसा रेवेन्यू जनरेट होगा, पैसा आएगा, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की मौजूदगी से भी फर्क पड़ेगा। तो लिहाजा चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, किसी भी किस्म का हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं होगा। ये हुकूमत पाकिस्तान ने पीसीबी को बता दिया है कि जितने सख्त फैसले करने आप करें, हम आपके साथ खड़े हैं। तो लिहाजा बहुत बड़ा ये फैसला किया गया है, चैंपियंस ट्रॉफी से माइनस भारत के फार्मूले पर काम शुरू हो गया है। माइनस भारत चैंपियंस ट्रॉफी से, तो ये क्रिकेट फैंस के लिए तो अच्छी खबर नहीं है, लेकिन एक तरह से ये चीज देखी जाए कि एक लंबे अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतने अच्छे जेस्चर दे रहा था कि यार जिस मुल्क के अंदर आप देखें, ऑस्ट्रेलिया खेलने आ रहा है, बार बार आ रहा है, न्यूजीलैंड बार बार आ रहा है, इंग्लैंड बार बार पाकिस्तान के दौरे कर रहा है, आपको क्या मसला है पाकिस्तान में खेलने से? आप या तो कुछ ठोस, ये आईसीसी का इवेंट है, आप जाएं और वहां जाकर कुछ ठोस रीजन पेश करें, कुछ सॉलिड रीजन पेश करें कि भाई हम इस वजह से नहीं आ सकते। आपने कहा कि हम पाकिस्तान आएंगे, लाहौर में मैच खेलेंगे, शाम को वापस भारत चले जाएंगे वाघा के रास्ते। तकरीबन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बारे में इत्तफाक कर चुका था, फिर आपने नई शुरली छोड़ दी, नहीं जी हम तो दुबई और शारजा में खेलेंगे। तो जाएं जाकर खेलें आप दुबई और शारजा में और वहां पर अपनी क्रिकेट खेलें, आपको भी लग पता जाएगा। ये चंद दिनों की बात है और हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय हुकूमत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इन फैसलों के बाद बहुत जल्द घुटने टेकने वाली है, बहुत जल्द ये चीज पर रजामंद होंगे कि हम आएंगे, मैच खेलेंगे और खेलकर वापस चले जाएंगे। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। अभी पाकिस्तान ने श्रीलंका से राबता कर लिया, पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान ने किसी और टीम को शामिल करने के हवाले से मंजूरी दे दी कि इनको मधु किया जाए, वो नहीं आते, वेस्ट इंडीज आए। लेकिन अगले ही चंद रोज में, क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को लग रहा था कि पाकिस्तान मान जाएगा हाइब्रिड मॉडल पे, कि हम दुबई में खेल लेते हैं, कहीं और खेल लेते हैं, लेकिन अब ऐसा हुआ नहीं है। अब उनको ये भी लाले पड़े हैं कि अगले दो आईसीसी के इवेंट, इसके फौरी बाद T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप, वो भारत में है, पाकिस्तान भी नहीं जाएगा। और पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान आइंदा किसी भी आईसीसी के इवेंट में जो भारत में होगा उसमें शिरकत नहीं करेगा, वो पहले से क्लियर कर दिया है। तो इससे बड़े फैसले और क्या हो सकते हैं? तो लिहाजा ये क्रिकेट फैंस के लिए तो एक मायूसकुन खबर इस लिहाज से है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं तो यार ब्रेक लगनी चाहिए ना। अब मुसलसल आप एक दहाई से जायद हो गया, दोनों मुल्कों में सीरीज भी नहीं हुई, तो क्रिकेट फैंस आप मायूस नहीं होंगे, मैं उम्मीद करता हूं, बल्कि बहुत सारे लोग आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले को सपोर्ट करेंगे कि कम अज कम आपने कोई पावर दिखाई है, कोई ताकत दिखाई है। यार ये मजाक बन गया बिल्कुल। एशिया कप हुआ, आपने सारे का सारा श्रीलंका में करवा दिया, मेजबान पाकिस्तान था, तो ये अब नहीं चलेगा। आज पाकिस्तान ने बहुत बड़े फैसले किए हैं और बहुत जिसके बड़े गहरे असरात होंगे। और देखिए रोहित शर्मा ये कह रहे हैं कि हम जाने के लिए तैयार हैं, उनके क्रिकेट वहाँ के इंडियंस हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ टीवी चैनल्स में, उनके कई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मेरे साथ टीवी शो में आते हैं, वो आकर कहते हैं यार हम तो चाहते हैं, और वो पहले भी पाकिस्तान में आते रहे हैं, जब भी सीरीज होती दोनों मुल्कों के दरमियान, वो कराची में, लाहौर में और वहाँ पर उन्होंने रावलपिंडी में मैचेस कवर किए, फिर उन्होंने वापस जाकर कई किताबें लिखी हैं कि पाकिस्तान भी विजिट किए। इसी तरह से पाकिस्तानी सहाफ़ी जो भारत जाते हैं सीरीज कवर करने के लिए, वो भी बड़ी अच्छी यादें लेकर आते हैं। तो लिहाजा ये चीज़ें चलनी चाहिए थी, पता नहीं कौन इनके आड़े इन चीज़ों के आड़े आ चुका है। लेकिन बार क्या दोस्तों, आखिर में आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को मैक्सिमम लोग शेयर करें, नए लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है, और भरपूर पार्टिसिपेट करें। एक मरतबा फिर पाकिस्तान से बाहर से, कश्मीर से और यूरोप से, हमारे परदेसी भाई अरब ममालिक से, और इसी तरह से यूके, यूएस से, तमाम ममालिक में जहाँ जहाँ भी देखते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अपने शहरों के नाम लिखते हैं और हमें अपनी दुआओं में, बातों में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।